गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो गोल पकड़ निकल गई का जो चैप्टर पढ़े थे उसका आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। नटखट और चंचल कौन था? बोलो बच्चों, नटखट और चंचल कौन था? गोलू भालू था। एक दिन सड़क पर गोलू को क्या मिला? एक दिन सड़क पर गोलू को एक आईना मिला। गोलू ने थैले में से क्या निकाला? गोलू ने थैले में से आईना निकाला। सबको भालू की क्या बात पता लग गई? कि गोलू एक आईना रखा है, ये बात पता लग गई। देखो, सही विकल्प पर टिक निशान लगाओ, टिक चिन्ह लगाना है। गोलू किसका नाम था? भालू, गिद्धड़ या हिरन का नाम था? गोलू किसका नाम था? भालू का। थैले में क्या था? कपड़े, आईना या खिलौने? आईना। गोलू शान से घूमने लगा। गोलू शान से कहाँ घूमने लगा? महल में, सड़क पर या जंगल में? जंगल में। उस देखो, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को लिखिए। ऊपर जो लिखा है एक पैराग्राफ, उसको पढ़कर जो नीचे लिखा है उसके प्रश्न का उत्तर देना है। उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। अब वह समझ गया कि आईना में कोई दूसरा भालू नहीं बल्कि उसकी अपने ही चेहरा है। उसने कुछ सोचा, सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। वह सड़क पर मस्ती से अकड़कर चलने लगा। देखो क्या हुआ, आईना, क्वेश्चन आंसर देखो। आईना हटाने पर क्या हुआ? आईना हटाने पर सामने जो भालू था वो गायब हो गया। उसने आईने को कहाँ रखा? उसने आईने को थैले में रखा। वो सड़क पर कैसे चलने लगा? वो सड़क पर मस्ती से अकड़ कर चलने लगा। देखो, एक दिन उसे डेक्स खरगोश मिला। क्या होगा बच्चों? एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। गोलू अब डेक्स से जंगल में घूमने लगा। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। उसके थैले डेक्स से छूट गया। उसका थैला डेक्स से छूट गया हाथ से। गोलू भालू की सारी डेक्स भी गायब हो गई अकड़। देखो किसने कहा है, गिद्धड़ आजा थैले से बाहर, ये किसने कहा है? किसने कहा है बच्चों? गोलू ने। तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? ये किसने कहा है? चुनमुन ने, चुनमुन खरगोश ने। तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं? ये किसने कहा है? गोलू ने। अच्छा भाई नमस्ते, ये किसने कहा है? बेजू जो गिद्दड़ था। देखो, गोलू ने आईने में क्या देखा? गोलू ने आईने में अपने जैसा एक भालू देखा, मतलब अपनी तस्वीर देखी। बेजू ने दांत पिसा कर गोलू से क्या कहा? बेजू ने दांत पिसा कर गोलू से कहा कि क्या रे गोलू, तुझे किस बात की अकड़ है? बोला गोलू। डर कर दौड़ क्यों लगाने लगा? गोलू जंगली कुत्तों से डर कर जंगल भर में दौड़ लगाने लगा। देखो, यदि गोलू का आईना नहीं टूटता तो क्या होता? यदि गोलू का आईना नहीं टूटता तो उसका घमंड कभी नहीं निकलता, उसका अकड़ कभी नहीं जाता। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि अपनी मस्ती के लिए किसी को भी परेशान करना नहीं चाहिए। देखो भाषा के, जैसे यहाँ पर लिखा है विद्या प्लस आलय, विद्यालय हुआ। ऐसे भोजन प्लस आलय, भोजनालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। देखो, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है, नटखट का क्या होगा? नटखट में एक वाक्य बनाना है। गोलू एक नटखट भालू था।
चुनमुन से एक वाक्य बनाना है। चुनमुन एक खरगोश था अकड़कर। गोलू आईने को देखकर अकड़कर चलने लगा। देखो, कक्षा में दो समूह बनाकर अपने अपने पसंद के जानवरों की कहानी एक दूसरे को सुनाओ। आपको अपने मनपसंद जानवर की कोई कहानी आता है तो मुझे सुनाना। किन्हीं चार जानवरों के चित्र दिए गए स्थानों पर लगाओ तथा अनेक उनके नाम लिखो। ये जो चार जगह दिए हैं, ये चारों जगह पर चार जानवरों के पिक्चर लगाना और उनके नीचे उनका नाम लिखना।